इतना ज्यादा अगर हम जानबदारी का मुजाहरा करते हैं तो पाकिस्तान की अदालती निजाम तो पहले भी मेरे ख्याल से अब 150 नंबर पे है। ये पाकिस्तान की अदलिया को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान की आवाम का जो यकीन है वो किस तरह बरकरार रहेगा। मैं एक सवाल पूछता हूं कि जब हम 2018 से 2022 तक ऑपोजिशन में थे और हम कोई भी पिटीशन लेकर इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया करते तो हमें जस्टिस अतरमीनुल्लाह साहब जो सो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक बड़ा लेक्चर दिया करते थे और वो हमें आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन की जो है 69 बताया करते थे, हमें समझाया करते थे कि पार्लियामेंट के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की कमेटी के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती का मामला था, पूरा पार्लियामेंट को बाईपास करके गैर आइनी तौर पर सदरे पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उस सारे प्रोसेस के बीच में कोई स्टे ऑर्डर नहीं कहीं पे नजर आएगा आपको। हमने सेहत इंसाफ कार्ड जब इमरान खान ने उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का परचम शाया कर दिया, उसके ऊपर जब हमने पटिशन डाली तो उस पटिशन के ऊपर भी कोई स्टे ऑर्डर ना आया। हम पर खुद मुकदमात बनाए गए जो लाहौर में नैब के थे, मेरे पे मुकदमे थे, मैं अपनी पिटीशन लेके पेश हुआ उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, चाहे आपका मामला लाहौर में, अब लाहौर जाए। और मेरी तरह के कई लोग जो बाद में गिरफ्तार हो गए उनको कोई रिलीफ नहीं मिला उस वक्त अदालत से। कई प्रोडक्शन ऑर्डर्स के केसेस चले, हम प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ का मांगने गए, हम प्रोडक्शन ऑर्डर ख्वाजा आसिफ का मांगने गए, हम प्रोडक्शन ऑर्डर किसी भी ऐसे ख्वाजा साद रफीक का मांगने गए, शाहिद खाकान अब्बासी का, एहसन इकबाल का, तो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट का मामला है, वो पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आज क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जस्टिस अतरमीनुल्लाह का जो वो फैसला है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि जब माजी में 2018 से 22 के बीच में हम रोते बिलखते चीखते जाते थे इन जजेस के पास कि हमसे ज्यादती हो रही है, राणा सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई है, उसका जज व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ट्रायल कोर्ट का जज तब्दील किया जा रहा है, तो उस वक्त तो चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नहीं लिया, उस वक्त तो मोहतरम चीफ जस्टिस आपको सुओ मोटो लेना याद ना आया जब यहां पर कई गलत और नाजायज नैब के केसेस बनाए जा रहे थे। हमें तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नसीब हुई, हमारे केसेस में तो सिर्फ तासुरात दिए गए कि नैब ज्यादती कर रही है, नैब जुल्म कर रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या उस वक्त कोई सहूलत जो आज इमरान खान को अदालतों से मिल रही है ये सहूलत उस वक्त ऑपोजिशन रहनुमाओं को थी मुयसर? क्या उस वक्त ख्वाजा साद रफी का फैसला आज भी निकाल के पढ़ लें कि कितने साल वो शख्स जो है वो जेल में पड़े रहे, गलते रहे मुस्लिम लीग नून की क्यादत के कई रहनुमा, कोई पुरसाने हाल ना बना। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की जब जेल काटने के बाद वो जाते सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता तो सुप्रीम कोर्ट कहती नैब ज्यादती कर रही है, नैब कानून को तब्दील होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। कि एक शख्स की आपने जिंदगी के 3 साल जेल में लगा दिए, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उस वक्त तो सुओ मोटो लेना याद नहीं आया। और यहां पर एक दिन के लिए एक शख्स पुलिस लाइन में बैठा तो पूरे पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है उसमें जलजला आ गया, ये कैसा इंसाफ है? अगर इंसाफ के तकाजे, अगर मेजरमेंट का जो स्केल है वो यही होगा तो फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है इसकी रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में हम यकीनन 140वें या 150वें नंबर पर जाएंगे। कि अगर हमारी जो मुनसफी है उसमें बैलेंस नहीं नजर आएगा, अगर हमारी मुंसिफी में 2023 में पार्लियामानी कार्रवाई की कमेटियों के ऊपर स्टे ऑर्डर दिए जाएंगे और 2018-19 में पार्लियामानी कार्रवाई और के ऊपर अदालतें हाथ उठा देंगी और कहेंगे कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये दोहरा मेयार नहीं है। अगर इस तरीके से तोशाखाना केस को आप देख लें कि तोशाखाना केस में एक जज को, जफर इकबाल को, किस तरीके से कलैप्स कराया गया। सुओ मोटो तो चीफ जस्टिस साहब को उस दिन ही ले लेना चाहिए था जिस दिन इमरान खान एक जत्थे के साथ
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ था, जिस दिन ऑर्डर शीट ही गुम गई थी। एक शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, आप उसको इतनी प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि उसको अदालतों पर हमले करने की इजाजत दे देते हैं। लोअर जुडिशरी के जजेस की जब तस्वीरें तरीके इंसाफ के लोगों ने ट्वीट की, लोअर जुडिशरी के जजेस की तस्वीरें और उनके पते तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने जब ट्वीट किए, सुओ मोटो तो उस वक्त ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप वो सरपरस्ती करते हैं लोअर जुडिशरी के जजेस के। जेबा चौधरी का वाकया हो, जफर इकबाल कलेप्स कर गए एक जज को, मैं खुद उस दिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में था, मैंने अपनी आंखों से हाल देखा कि आपने एक प्री प्लान तरीके से, एक शख्स हमलावर होता है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे, जज मेंटली तौर पे कलेप्स कर जाता है, उसके सामने हजारों का जत्था बंदा लेके अंदर आ जाता है, तो जो सहूलत उसको मुयसर की उस पर तो सुओ मोटो ने लिया कि आपको किस तरीके से परमिशन है कि आप पूरा जुलूस लेके अदालत में जाए। जब आपने एक चोरी की है, एक डकैती की है, तोशाखाना से माल बनाया है, पैसा चोरी किया है आपने और बुशरा बेगम ने, तो फिर उसके बाद आपके पास ये इख्तियार है कि आप जब भी आप पर फर्दे जुर्म लगने लगे, 8 माह से, सितंबर में तोशाखाना का फैसला आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 माह गुजर गए। तकरीबन 8 माह गुजरने के बाद एक शख्स पे फर्दे जुर्म तो नहीं लगी? नवाज शरीफ का तो मुकदमा आपने चंद दिनों में फैसला कर दिया। क्या नवाज शरीफ को जमानत की सहूलत मुयसर हुई? उसकी बेटी को मुयसर हुई? यहां पर तो अभी नैब का मुकदमा का आगाज नहीं हुआ अलकादर ट्रस्ट का, तो आपने उससे पहले ही उसकी जमानत ले ली है। क्या रिमांड होगा, क्या तहकीक होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? आप तोशाखाना केस में प्रोसीडिंग्स को रोक देते हैं, प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर कर देते हैं, तो क्या यह सहूलत आपने नवाज शरीफ को मुयसर की थी? क्या यह सहूलत शहबाज शरीफ को मुयसर थी? क्या यह सहूलत हमजा शहबाज, फरियाल तारपुल, खुर्शीद शाह और बाकी जितने भी हमारे लोग थे, रहनुमा थे, उनको यह सहूलत मुयसर थी कि उनके खिलाफ मुकदमात में स्टे ऑर्डर दे दिए जाए? जज बशीर साहब के ऊपर तो मॉनिटरिंग जज बिठाया गया था, और साकिब निसार की अब तो रिकॉर्डिंग मुंह बोलता सबूत है, बल्कि एडमिशन है कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला कराया गया। तो क्या उस वक्त जमीर नहीं जागा? उस वक्त ऐवान में, अदालतों के ऐवानों में बैठे हुए हमारे मौजूद जजेस साहिबान का, कि जिन्होंने देखा हो कि एक शख्स को हम बेगुनाह सजा दे रहे हैं, जिसके बाद लंदन की अदालतों ने और वो मुसावे जो थे उन्होंने अपनी कहा कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए गए वो सब झूठ थे, वो गलत थे, तो क्या उस पर सुओ मोटो नहीं बनता? आज भी वो शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठा है, एक ऐसा जुर्म जिस जुर्म के जो उसने किया ही नहीं, क्या इस पर सुओ मोटो नहीं बनता? तो ये जो रवैया है कि अदालतों को, ट्रायल कोर्ट्स को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, अब मेरे ख्याल से तोशाखाना में जो 8 जून या क्या तारीख है कि मार्च में एक शख्स पे फर्दे जुर्म आयद होती है, आप पहली दफा सुना कि एक शख्स पे फर्दे जुर्म आयद हुई है, उसकी आपने प्रोसीडिंग भी रोक दी, उसकी प्रोसीडिंग ट्रायल होने दें, अगर उसने गलत किया होगा तो सामने आ जाएगा, अगर उसको सजा होगी तो वो अपील में आपके पास दोबारा आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान की एक कानूनी जो हमारी रजीम है उसके नीचे होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि नहीं, इमरान खान वो अदालती लाडला है, उसके केसेस को स्टे दे दिया जाए। उसने अगर चोरी की है, उसने अलकादर ट्रस्ट में गबन किया है, वहां से पैसे लिए, किकबैक्स लिए, नहीं, उसको स्टे दे दिया जाए। अलकादर की प्रोसीडिंग्स, तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स, जहां जहां पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को और बाकी पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, क्या ये उनको सहूलत मुयसर थी पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से, कि जब उनके साथ ज्याती जुल्म और जबर होता था, क्या उस वक्त अदालतें सुओ मोटो लेती थी? क्या उस वक्त अदालतें यक तरफा जिस तरीके से आज कार्रवाई करती हैं, क्या उस वक्त इस तरीके से यक तरफा कार्रवाई की जाती थी? क्या उस वक्त राणा सनाउल्ला का जब जज चेंज हुआ और उसको जिस तरीके से पकड़ा गया और सारा कुछ सामने भी आ गया और बैन अल-अक़वामी लेवल पे पाकिस्तान की जद असाई हुई कि एक सबका वजीर कानून, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, सबका
एक बड़ा सियासी जमात का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी का, उसमें आपने 15 किलो हीरोइन डाल दिया है, क्या उस वक्त हमारे जो जजेस थे इनका जमीर नहीं जागा कि ये जो जुल्म हो रहा है हमें इसका भी नोटिस लेना चाहिए? ये वो सवाल है, ये वो सवाल है जो अब उठ रहे हैं, ये वो सवाल है जिनके बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और जवाब उसका ये है कि 2014 में जिस तरीके से एक शख्स को और एक सियासी जमात को पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जमहूरी प्रोसेस के बीच में एक सियासी जमात को अस्क्रियत इंतहा पसंद जमात बना दिया गया, तो क्या अब इस तरह के हुक्मनामे, इस तरह की जो प्रोटेक्शन है अदालती, क्या इस तरह की प्रोटेक्शन दोबारा से, क्या हम वही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो कि 2014 में हुई और उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने 9 मई 2023 को भुगता? तो अब जो ये अदालती एक सहूलतकारी उसको मुयस्सर हो रही है, तो क्या ये सहूलतकारी जो है, क्या ये वो 2014 वाली सहूलतकारी तो नहीं? और इस 2014 वाली सहूलतकारी का नतीजा जिस तरीके से 9 मई 2023 को पाकिस्तान के अदारों को, हम सब लोगों को भुगतना पड़ा, तो क्या इस तरह के नतायज कल आपको भी ना भुगतने पड़ जाए? ये लम्हा फकरिया है इस कौम के लिए कि नो वन इज अबव द लॉ, एवरी वन इज आंसरेबल टू द लॉ, इवन इफ इट इज द प्राइम मिनिस्टर और अ पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट इन पाकिस्तान, ही इज आंसरेबल टू द लॉ। ये कोई कानून में जो जानिबदारी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं है कि 2018 की जो पार्लियामेंट है, 2019 की जो पार्लियामेंट है, वहां पे आपको ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट याद आ जाए, और 2022-23 की जो पार्लियामेंट है वहां पर आप कहें कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको तजावज कर रहा है। वहां पे आपको आर्टिकल 69 भूल जाए, 2018-19 में आपको आर्टिकल 69 याद रहे। तो ये जो दोहरा मियार है अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है, और ये दोहरा मियार ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो पाकिस्तान के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर और ट्राइकोटमी ऑफ पावर होनी पड़ेगी। हर अदारे को अपनी अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के काम में अदलिया को यह हक हासिल नहीं कि वो कानून साजी करे, अदलिया को यह हक हासिल नहीं कि वो आईन साजी करे, मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई